ऑल राइट, सो आज हम लोग CBR की फाइनली बैटरी चेंज करने वाले हैं। ये गाड़ी अराउंड 5 साल पुरानी हो गई है और इसकी बैटरी जो थी वो स्टॉक थी ओरिजिनल, वो ख़राब हो चुकी थी। चार्ज करने के बाद भी वो चार्ज नहीं हो रही थी और क्रैंक नहीं ले रही थी गाड़ी। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई हम नया बैटरी लगा लेते हैं। अब मैंने जब ढूंढना शुरू किया बैटरी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी के बहुत बड़ी इशू है यहाँ पे करेंटली, और ये काफ़ी जगह पे ऐसा हो रहा है कि बाइक की जो बैटरी है वो अवेलेबल नहीं है, स्पेशली Z7 और Z9 सीरीज़ जो पल्सर 150 और इसमें लगती है, उसमें 9AH की बैटरी लगती है, इसमें कुछ 6AH की बैटरी लगती है। तो मैंने batteryby.com पे जाकर फिर ऑर्डर मारा वहाँ से। वहाँ पे भी Amron की बैटरी नहीं थी, Exide की थी, तो Exide की ले ली मैंने। और गाड़ी कुछ 2 हफ्तों से ऐसे ही खड़ी है बिना बैटरी के, तो इसको थोड़ा साफ ऑफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैटरी इसकी नई वाली लगाते हैं। ऑलराइट, सो बाइक की सीट खोलने से पहले बैटरी देख लेते हैं गाड़ी का। ये है बाइक की बैटरी, Exide एक्सप्लोरर सीरीज़। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये Z7 होनी चाहिए। Z7 का मतलब है कि ये ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी है, इसमें क्रैंक का जो इसका कैपेसिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और क्योंकि CBR जैसी बाइक्स को किक नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हो किक नहीं होता इनको चालू करने के लिए, तो ये पूरा बैटरी पे डिपेंडेंट होती हैं बाइक्स। तो ये इसकी बैटरी है और ये मैंने मंगवाई है batteryby.com से। अगर आप देख सकते हो प्राइसिंग अराउंड 1825 है और मुझे ये अराउंड 1600 में पड़ी है विथ एक्सचेंज ऑफकोर्स, हमारा ट्रस्टी स्टैनली का टूल किट। तो बाइक का पीछे का सीट तो अपने आप खुल जाएगा की से, लेकिन इसका जो ये है ये दोनों एलन की पे रहता है, और एलन की को खोलने के लिए आपकी गाड़ी के अंदर जो आता है टूल किट उससे भी पूरा खुल जाता है, बट मुझे थोड़ा कंबरसम लगता है उस पर काम करना, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, तो ये वाला लगेगा। और खोलने के लिए थोड़ा लंबा वाला ले लेते हैं, थोड़ा अंदर है इसका। खोलने के लिए पहले इसको लगाना है और घुमाना है। मैंने पिछली बार लूज़ करके रखा था, मैं बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया था मैंने, तो ये दोनों हाथ से ही निकल जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको पता नहीं होगा इसका साइज़ तो बता देता हूँ मैं कि 8 नंबर का एलन की लगता है इसमें, और मुझे नहीं याद मैंने कहाँ रखी उसकी नट को। ओके, और इसको साइड में कर लेते हैं यहाँ पे, और इस सीट को निकालने के लिए थोड़ा सा बस ऐसा टेढ़ा करके निकाल लेना होगा, आराम से निकल जाता है। तो अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गाड़ी के अंदर यहाँ पे काफ़ी धूल मट्टी है, बट अभी उसको निकाल नहीं सकते, कचरा साफ़ करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट बैटरी लगाते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, दोनों को अच्छे से स्पेस कर लेना चाहिए दूर दूर। और ये वायर मैंने मोबाइल चार्जर के लिए लगाई थी, इसको अब मैं वापस नहीं लगाऊँगा क्योंकि मैंने नया मोबाइल चार्जर लिया है, तो वही वाला यूज़ करूँगा मैं, बाद में उसको लगाऊँगा। राइट, तो बैटरी के साथ थोड़ा पेपर वर्क भी आता है, ये पेपर संभाल के रखना ही अच्छा होगा क्योंकि इसमें बिलिंग वगैरह का सब इंफॉर्मेशन है। तो इसके टर्मिनल जैसा कि आप देख सकते हो, टर्मिनल्स को अच्छे से सील करके रखा गया है ताकि ये जंग ना खाए और कहीं टच ना हो। Z7 यहाँ पे लिखा है, तो इसको ऐसे डालना है, दोनों टर्मिनल्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे भी एक नट है CBR को, ये नट भी खोलना पड़ेगा। ये कुछ 10mm है या फिर ये भी 8mm ही है। ओके, इसको ऐसे ऊपर करना है, और यहाँ पे क्लैंप है, इन क्लैंप्स के अंदर भी रखना है उसको ऐसे। सो बैटरी चली गई है अंदर, और इसको हम लोग लॉक कर देंगे यहाँ पे। लॉक करना इजी है, बस इसको ऐसे यहाँ पे प्रेस करना है, और यहाँ पे एक नट है उसको लगा देना है। नट ने एक बार पकड़ लिया तो आप उसको फिर टाइट कर सकते हो आराम से। इसको टाइट करने के लिए 10mm का ये वाला लगेगा, 10mm का,
ये हो गया टाइट अच्छे से। अब बैटरी लगाने के लिए रूल होता है कि और लगाते वक्त पहले पॉजिटिव लगाओ उसके बाद नेगेटिव को लगाओ, वरना अगर आप इसको बाद में लगाओगे तो ये एक्टिव वायर है, इसमें से स्पार्क आएगा और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। सो रिकमेंडेड यही है, पहले इसको लगाओ फिर इसको लगाओ। और ये बैटरी के अंदर लगता है टर्मिनल के, तो इसको टर्मिनल में डालने के लिए साइड से डालना होगा ऐसे, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही डालना होगा ऐसे। और ये दो नट है जो हमें बाद में लगाने हैं, सबसे पहले वायर कनेक्ट करना है। तो पहले मेक श्योर करो यहाँ पे गाड़ी का स्विच ऑफ है, और फिर पॉजिटिव वायर को सबसे पहले लगाओ, इसमें डाल दिया हम लोगों ने ये स्क्रू और इसको हमने लगा दिया। और इसको टाइट करने के लिए स्टार वाला ये लगेगा स्पैनर, तो स्टार वाला ये लग जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा इसको टाइट नहीं लगाने वाला क्योंकि मुझे इसको वापस खोलना ही है। इसने पॉजिटिव वाले को पकड़ लिया अच्छे से, अब नेगेटिव वाले को लगाना है, सेम प्रोसेस। पहले इसको और इसको हम लोग टच करके ये लगा दिया। और अभी अगर आपके पास घर में ग्रीस है तो इस पर ग्रीस लगा दो अच्छे से, क्योंकि ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे जंग खाएगा। मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं जब इसमें गाड़ी को वॉश करा के आऊँगा उसके बाद लगाऊँगा अच्छे से, तो वो भी लगा लेना। अब बैटरी लगा दी, उसका कवर भी लगा दिया, इस कवर को लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गाड़ी को चालू करके देखते हैं होती है या नहीं। Nice. और गाड़ी दो हफ्ते बंद रहने के बाद भी वन क्लिक में स्टार्ट हो गई है, जीरो इश्यूज। नाइस। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम, बैटरी। और बैटरी चेंज करना काफ़ी ईजी है, बस वही प्रोसेस को फॉलो करो, बराबर वायर को लगाओ वरना स्पार्क वार्क आने का टेंशन है। और हो सके तो प्रोटेक्टिव गेयर पहनो ये सब करते वक्त, एटलीस्ट चश्मा वश्मा पहन लो, क्योंकि इसमें से अगर स्पार्क वार्क आया और आँखों में गया तो आप अंधे हो सकते हो। दैट्स इट, बाकी और कोई ख़ास काम नहीं था इसका। वायर को फ़िलहाल के लिए टक इन कर देते हैं कहीं पर। और अभी इसकी सीट लगा के बंद करते हैं।